दोस्तों कुछ समय में ही टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर टीवी शो बनकर इस तरह का करिश्मा दिखाने वाले चंद ही टीवी सीरियल होते हैं और उन्हीं में से एक सीरियल है भाग्यलक्ष्मी, जिसे टीवी पर टेलीकास्ट हुए अभी ठीक से एक महीना भी नहीं हुआ है कि ये शो दर्शकों का चहेता बनता जा रहा है, जिसकी दिलचस्प कहानी और टैलेंटेड स्टार कास्ट की जितनी तारीफें की जाए वो कम ही है। जिसके कलाकार तो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि आज इन्हें बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भाग्यलक्ष्मी सीरियल के ये कलाकार किस शहर के रहने वाले हैं? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, आज के हमारी इस वीडियो में आप इसी मजेदार सवाल के जवाब से रूबरू होने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार भाग्यलक्ष्मी सीरियल के ये कलाकार किस शहर के रहने वाले हैं। नंबर 1, मुनीरा कुदरती। इस लिस्ट की पहली कड़ी में नाम आता है सीरियल में शालू का किरदार निभा रही अभिनेत्री मुनीरा कुदरती का, जो कि सीरियल में लक्ष्मी की बहन बनकर दर्शकों का खूब दिल जीत रही हैं। वहीं बात करें कि ये किस शहर की रहने वाली हैं, तो आपको बता दें कि ये मुंबई शहर की रहने वाली हैं, जिनका जन्म भी यहीं हुआ है और यही इनका होम टाउन है। नंबर 2, पारुल चौधरी। सीरियल में करिश्मा ओबराय का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम पारुल चौधरी है, जो कि अपने इस किरदार को पूरी शिद्दत और बारीकी के साथ पर्दे पर पेश करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें कि ये किस शहर से ताल्लुक रखती हैं, तो बता दें कि पारुल चौधरी भी मुनीरा की तरह ही महाराष्ट्र के मुंबई शहर की ही रहने वाली हैं। नंबर 3, उदय टिकेकर। टैलेंटेड एक्टर उदय टिकेकर को भाग्यलक्ष्मी सीरियल में वीरेंद्र ओबराय का किरदार अदा करते हुए देखा जा रहा है, जो कि ऋषि के पिता होते हैं और एक जिम्मेदार पिता का कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं। वहीं अगर बात करें कि आपके ये चहेते अभिनेता किस शहर के रहने वाले हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उदय टिकेकर भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर के रहने वाले हैं, जो इसी शहर में जन्मे थे। नंबर 4, स्मिता बंसल। अब बात करें सीरियल में नीलम ओबराय का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री स्मिता बंसल के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में ऋषि ओबराय की मदर की भूमिका निभाने वाली स्मिता बंसल राजस्थान के जयपुर शहर की रहने वाली हैं, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अपनाने के लिए अपना ये होम टाउन छोड़कर मुंबई का रुख अपना लिया था। नंबर 5, अमन गांधी। जी हाँ, सीरियल में ऋषि ओबराय के कजिन ब्रदर आयुष्मान का किरदार निभाने वाले अभिनेता का रियल नेम अमन गांधी है, जो कि अपने इस किरदार के साथ दर्शकों की चहेते बन चुके हैं। वहीं अगर बात करें कि ये किस शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो बता दें कि ये दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उत्तर प्रदेश का रुख अपनाया था और करियर बनाने के लिए ये मुंबई चले आए थे। नंबर 6, मायरा मिश्रा। सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मलिष्का का निगेटिव रोल प्ले करने वाली अभिनेत्री मायरा मिश्रा आज अपने इस किरदार के साथ कितनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं, जिनकी ऋषि और लक्ष्मी के बीच रची गई साजिशें सीरियल को मजेदार बनाती हुई नजर आती हैं। वहीं बात करें कि ये किस शहर से बिलोंग करती हैं, तो बता दें मायरा मिश्रा उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की रहने वाली हैं। नंबर 7, रोहित सुजानती। सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर ऋषि ओबराय का किरदार निभा रहे अभिनेता रोहित सुजानती की बात की जाए, तो बता दें कि मलिष्का के बॉयफ्रेंड और लक्ष्मी के पति की भूमिका निभा रहे रोहित का होम टाउन राजस्थान का जयपुर शहर है, लेकिन इनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। नंबर 8, ऐश्वर्या खरे। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं सीरियल में लक्ष्मी का मुख्य किरदार निभा रही अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे के बारे में, जो कि ऋषि ओबराय की पत्नी हैं और अपनी फैमिली का बेहद अच्छे से ख्याल रखती हैं। वहीं अगर बात करें कि ये किस शहर से ताल्लुक रखती हैं, तो बता दें कि ऐश्वर्या खरे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की रहने वाली हैं, जहां ये न सिर्फ जन्मी थी बल्कि इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से कंप्लीट की है। दोस्तों, इन सितारों की तरह आप कहां के रहने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।